नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे अच्छा चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों केदारनाथ धाम जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहां पर श्रद्धालु दूर दूर से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों देवों के देव महादेव बाबा केदारनाथ के कपाट आज 17 मई 2021 में खोल दिए गए हैं, और अगर आप भी बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का दृश्य देख सकेंगे। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड की ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बाबा केदार के भक्त वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव और जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। दोस्तों केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की शुरुआत हुई ओंकारेश्वर मंदिर से। ओंकारेश्वर मंदिर ओखीपट में स्थित है। यह वही मंदिर है जब शीतकालीन में बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बाबा की पंचमुखी मूर्ति को यहीं लाया जाता है, और दोस्तों यहीं पर बाबा की पूजा अर्चना होती है। 14 मई 2021 को बाबा केदारनाथ की डोली को बहुत ही सादगी के साथ गौरीकुंड के लिए रवाना किया गया। यहाँ पर भी कोरोना की महामारी का असर साफ देखने को मिला। आमतौर पर बाबा केदार की डोली को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लेकर जाया जाता है। भारी मात्रा में श्रद्धालु साथ में जाते थे, लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से बहुत ही सादगी से सभी रस्मों को पूरा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यह गाड़ी में भगवान भोलेनाथ की ये डोली, बाबा केदारनाथ की डोली जाती हुई बहुत ही सादगी के साथ। दोस्तों 2020 से पहले जब डोली जाती थी बाबा केदार की, तो बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालु साथ में होते थे। बहुत ही धूमधाम के साथ बाबा केदार की डोली को लेके जाया जाता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं गाड़ी में भगवान की डोली को लेके जाते हुए बहुत ही कम लोग हैं। पुजारी हैं साथ में, उनके कुछ कॉन्स्टेबल है, पुलिस कर्मचारी है, लगभग 20-25 लोगों को ही अनुमति थी साथ में जाने की। दोस्तों इस बार हमने भी सोचा था कि हम लोग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते समय दर्शन करने के लिए जाएंगे। हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि हम केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, कपाट खुलने के शुभ घड़ी पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी फिर दोबारा से बहुत ही बुरी तरीके से हमारे देश में फैली, तो उसके चलते लॉकडाउन लगा दिया गया और आम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा स्थगित कर दी। तो हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही यह कोरोना महामारी हमारे देश से, दुनिया से जल्दी से समाप्त हो और हम लोग पहले की भांति बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जा सकें। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की कमी साफ देखने को मिली। कोरोना संकट के चलते यह दूसरा मौका है जब कपाट खुलने पर बाबा के दरबार में भक्तों की कमी साफ दिखाई दी। दोस्तों केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। पूरे मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाया गया। भगवान शंकर की मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों से केदारपुरी में वातावरण भक्तिमय बन गया। आज सुबह केदारनाथ रावल भीम शंकर लिंग और मंदिर के मुख्य पुजारी बांगेश लिंग एवं प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मुख्य द्वार खुलने के बाद आम भक्तों को मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है।
दोस्तों, केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने के वक्त केदारनाथ रावल भीमशंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिला अधिकारी मनोज गोयल और 21 पुरोहित, देवास्नम बोर्ड के 14 कर्मचारी, सीओ गुप्तकाशी अनिल मनराज, चौकी इंचार्ज मंजुल रावत, 6 कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल, 4 मंदिर सुरक्षा गार्ड के कर्मी मौजूद रहे। सरकार और देवास्नम बोर्ड द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विधि विधान से केदारनाथ के कपाट खोले, आज सुबह खोले गए हैं। फिलहाल किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। केदारनाथ रावल और मुख्य पुजारी की देखरेख में मंदिर के कपाट खोले गए हैं। तो दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना की महामारी समाप्त हो और हम फिर से धूमधाम से और हर्षोल्लास से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ।